इंस्ट्रक्शन ये है कि जो बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे आने के बाद यहाँ साद आमिर सर के पास अटेंडेंस है, आप लोगों को अटेंडेंस उस पर लगाना है, उसके बाद यहाँ पर स्टेज पर आप लोगों को आकर के प्रेजेंट करना है, ठीक है। नाउ आई कॉल फ्रॉम SYBCOM मोहम्मद सालिक मोहम्मद इसहाक। मोहम्मद सालिक मोहम्मद इसहाक and he is going to talk about online learning advantages and disadvantages. Second, Mohammad Akif, aaja beta, aaja. Roll number 83 from SYBCOM, Mohammad Akif. Mohammad Salik, Mohammad Isaac. First, he is going to present the system of you. Mohammad Salik, I am a student of SYBCOM and my roll number is 86. So my topic is online learning advantages and disadvantages. So online learning means internet के जरिए तालीम आते करना, जिसे आज के दौर में e-learning भी कहा जाता है, जिसके कई advantages है as well as disadvantages भी है। तो मैं सबसे पहले advantages की बात करता हूँ। flexibility, इसमें लचकदारियत होती है कि हम किसी भी वक्त घर पर हो या फिर बाहर हो, जहाँ भी हमारे हिसाब से तालीम हासिल कर सकते हैं मोबाइल पर। और फिर दूसरी चीज़ है अफोर्डेबिलिटी, कि जगह की कोई फिक्सेशन नहीं रहती कि हम कहीं पर भी है और ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ऑनलाइन लर्निंग से हमारी सेल्फ डिसिप्लिन इम्प्रूव होती है। ओके, सेल्फ डिसिप्लिन इम्प्रूव होती है। एंड डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो जहाँ पर एडवांटेजेस वहीं पर डिसएडवांटेजेस में शामिल है हमारी सेहत पर कई मनफी नुकसान होते हैं ऑनलाइन लर्निंग की वजह से, जैसे कि हमारी आँख की नज़र कमज़ोर होने का खदशा होता है। बिकॉज अगर हम नाम रोल नंबर तुम्हारा हो चुका है, नाम रोल नंबर इसको थोड़ा हमने एक्स्ट्रा टाइम इसलिए दिया क्योंकि उसने नाम रोल नंबर वगैरह सब यहाँ पर आकर बोला। आप आने के बाद नाम रोल नंबर वगैरह मत बोलो, अपना टॉपिक जो है वो बोलो और स्टार्ट करो। मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हमने इसलिए दिया क्योंकि इसने नाम रोल नंबर वगैरह बोला था, समझ में आया। तो यहाँ पर टाइमर लगा हुआ है, हम टाइमर के हिसाब से टाइम ले रहे हैं, ठीक है। और वो फर्स्ट था थोड़ा उसमें वो था, तो आराम से अभी नेक्स्ट। Yes, next, Mohammad Akif from SYBCOM, roll number
हमने पर्सनल देखी रतन टाटा। रतन टाटा एक बिजनेस पर्सनैलिटी है क्योंकि उसने हम इंडिया की मोस्ट ऑफ कंपनी ज्वाइन किया है जिसकी नाम है रतन टाटा, वो गाड़ी एंड स्टील कंपनी चलाता है। उसने कम से कम उसकी तकरीबन 100% पर्सनैलिटी है और उसकी मिलियन उसकी प्राइस मिलियन उसकी प्रॉफिट 57 मिलियन है क्योंकि वो एक इंडियन मोस्ट ऑफ पर्सन है क्योंकि वो एक बिजनेस कंसल्टेंट है और वो एक बिजनेस पर्सन है। उसका फेवरेट बिजनेस होटल है क्योंकि वो रतन टाटा के नाम से हासिल उसकी कंपनी ग्रुप ऑफ टाटा है। वो ऑल इंडिया एंड ऑल वर्ल्ड चलती है क्योंकि वो एक पर्सनैलिटी है इसकी वजह से वो मोस्ट मरियम साइबर लॉ की वजह से चलाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा
दूसरा चैलेंज ये है कि कंप्यूटर वायरसेस, कंप्यूटर में वायरसेस की वजह से ई कॉमर्स बिजनेस पे रनिंग करने की वजह से कभी कभार प्रोडक्ट पे गलत डिलीवर हो जाते हैं। और अपॉर्चुनिटीज की बात ये है कि अपॉर्चुनिटीज में इंडिया की आबादी की वजह से बहुत सारे मोबाइल फोन यूजर्स हैं, इसीलिए इंडिया बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रखता है। असद महमूद फ्रॉम एसवाई बीकॉम, रोल नंबर 79। नेक्स्ट है मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद रेडी रहो बेटा। ये है पॉन जजेस रोल नंबर 79 एसवाई बीकॉम असद महमूद। तो सर यकीन मानो उसकी पॉलिसीज या उसकी स्ट्रेटजीज के बारे में बात करने के लिए ये एक मिनट बहुत कम है, नाकाफी है उसके वास्ते। फिर चाहे हम बात करें जेफ बेजोस की या एलन मस्क या फिर गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचाई की या फिर सर अनंत टाटा सर रतन टाटा सर, अगर वो अपने बिजनेस का 66% चैरिटी में ना दे तो शायद इंडिया के अपने वर्ल्ड के नंबर वन अमीर तरीन आदमी कहलाए। सर अगर हम इन पर्सनैलिटीज़ को देखें तो सबसे कीमती बात इनके अचीवमेंट्स एम विजन से ज़्यादा कीमती बात जो सामने आती है सर वो यही है कि बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट रोल नंबर 93 मोहम्मद साजिद। इसके बाद तैयार रहेंगे शहाब रहमानी। शहाब रहमानी रोल नंबर 37 अभी आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं मोहम्मद साजिद फ्रॉम एसवाई बीकॉम। ऑनलाइन लर्निंग पेंडेमिक के दौरान जो हालात हुए पूरी दुनिया में सब जगह ऑनलाइन क्लासेस अटेंड हो रही है, इसके एडवांटेज के फायदे ये है कि इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा नकल करने को मिल रहा है, एग्जाम में बच्चे इससे ज़्यादा नकल कर रहे हैं और टीचर समझ नहीं पा रहे कि बच्चे क्लास और उसके नुकसान ये है कि बच्चे को इसमें काफ़ी हद तक देखो समझने में मुश्किल हो रही है क्योंकि फर्स्ट टाइम है सबके यहाँ, सबके हर एक को समझने में से बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि गूगल क्लासरूम गूगल मीट ये सब बच्चों ने कभी यूज़ किया नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात तो ये है कि इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बच्चे इसमें पढ़ नहीं पा रहे सही ढंग से और माँ बाप की इतनी ताकत के लिए कि इसमें रिचार्ज वगैरह बहुत ज़्यादा महंगा है, हर एक के घर पे वाईफाई वगैरह नहीं होता है, इसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे और बहुत सारे जो मतलब सुस्ती आ रही है बच्चों को पढ़ने में, बच्चे ढंग से उसमें मेंटेलिटी जो है बच्चों की वो खत्म होती आ रही है, पढ़ने और लिखने की जो सलाहियत है वो कम होती आ रही है और इसके जो एडवांटेज है वेरी गुड। आप लोगों को पूरी तैयारी करके आना है और आने से मेन चीज वही टाइम मैनेजमेंट है तुम्हारा, हमारे पास वो जो टाइम एकदम कम जो दिया हुआ है ना हम 5 मिनट भी रख सकते थे लेकिन कम टाइम में तुम कितना परफेक्टली तुम्हारी बातों को रख सकते हो, पॉइंट्स पूरे तुम्हारे कवर होने चाहिए, किसको एक्सप्लेन करना किसको नहीं करना ये डिसाइड करना चाहिए, तो यही सीखना है बेटा। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट रोल नंबर 37 फ्रॉम एसवाई बीकॉम शहाब रहमानी। इसके बाद तैयार रहेंगे यस तंजीन है तंजीन यस शहाब रहमानी फ्रॉम एसवाई बीकॉम। Bitcoin is nothing but just a substitute and advanced system of banking. Our banking system is a third party account. When we do some transactions, first bank
withdraw some amount from our account and add that amount in that second party account. But Bitcoin is an advanced system, that's why Bitcoin के अंदर जब हम Bitcoin purchase करते हैं, it's not a type of transaction. Then we do it's a type of mining. Bitcoin के अंदर जो है ना mining होती है. Total all over world, it's only 21 Bitcoins mining systems are there. Means सिर्फ 21 million Bitcoins ही generate हो सकते हैं. इसीलिए जब Bitcoin के अंदर transaction होती है तो उसके अंदर जो सिक्योरिटीज का जो मसला आता है कि जो फ्रॉड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. इसीलिए बिटकॉइन को इंडिया में लीगल तो है बट गवर्नमेंट के ऊपर कोई वो नहीं देती है कि हम इसके ऊपर अगर कोई फ्रॉड होता है तो गवर्नमेंट के अंदर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ये थर्ड पार्टी में और ये चेन की सिस्टम में चलता है. ये कोई स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक कंपनी को रन नहीं करती है, ये चेन के सिस्टम में रन करता है. ये थे हमारे शाह रवानी फ्रॉम एसवाई रिकॉम. नाउ नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज आल्सो फ्रॉम एसवाई रिकॉम, रोल नंबर 36 तंजील. यस नेक्स्ट पार्टिसिपेंट रेडी रहेगा, रोल नंबर 99 मोहम्मद सलमान. यस आए सलमान. इसके बाद टीवाई रिकॉम से अथर अंजुम शफीक अहमद रेडी रहेंगे. अथर अंजुम शफीक अहमद अभी आपके सामने आए हैं. मोहम्मद सलमान सॉरी तंजील. मेरा टॉपिक ऑनलाइन लर्निंग है, इसके डिसएडवांटेजेस पे मैं ज्यादा बोलूंगा कि जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी गरीबी भी बढ़ रही है. तो जितने गरीब है उन्हें और होते जा रहे हैं और उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी की सहूलत नहीं होती, और जितने अमीर हैं उन लोगों के पास है लेकिन वो लोग उतना प्रिपेयर नहीं है, या फिर बोलना चाहिए कि मेंटली प्रेजेंट है, मेंटली प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली खाली अटेंड हो जा रहे हैं बस. और डिसएडवांटेजेस में नहीं, एडवांटेजेस में कहीं भी अपने कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन एग्जाम्पल ऑनलाइन के अलावा हम लोग अटेंड करें सेफ करें. वेरी गुड. देखिए आप लोग जो ऑडियंस है मैं ये चाहूंगा कि जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं आप लोग उनकी हौसला अफजाई के लिए थोड़ा सा खामोश रहें, ठीक है. तालियां उनके प्रेजेंटेशन के बाद में आप बजाएं, बीच में जो है तो आप लोग बात करके उनको डिस्टर्ब कर देते हैं. अदरवाइज जिनको बहुत ज्यादा बोलना अगर है तो हम लोगों ने इतना बड़ा स्टेज यहाँ पर सजा के रखा हुआ है उन लोगों के लिए, तो थोड़ा सा आगे है इसका ध्यान रखेंगे. हो सकता है बीच में से हम लोग सडन आप लोगों में से किसी एक को जिनका नाम नहीं है यहाँ पर उनको भी बुला सकते हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम स्टूडेंट से कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके हौसला अफजाई के लिए थोड़ा सा खामोश रहे, ठीक है. बीच में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो ज्यादा डिस्टर्बेंस कर रहे हैं. ओके नाउ नेक्स्ट अथर अंजुम शफीक अहमद फ्रॉम टीवाई बीकॉम रोल नंबर 1. इसके बाद तैयार रहेंगे रिजवान अहमद शकील अहमद. रिजवान यस तैयार रहेंगे अभी आपके सामने है टीवाई बीकॉम से अथर अंजुम शफीक अहमद. मेरा टॉपिक ऑनलाइन एजुकेशन कुछ नहीं, एक ई लर्निंग प्रोसेस है. सबसे पहले इसका फ्लेक्सिबिलिटी ये एक एडवांटेजेस है. फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम जहाँ जाए जब जाए जिस वक्त चाहे हम ऑनलाइन एजुकेशन इंटरनेट के जरिए हासिल कर सकते हैं. और दूसरा इसका बहुत बेहतर है कि कंफर्टेबल कि हम अपने घर पर बैठ कर भी आसानी के साथ तमाम तरह सहूलियात के साथ हम ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकते हैं. और डिसएडवांटेजेस में हम कहें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि टीचर और स्टूडेंट के लिए जो दरमियान इंटरेक्शन है वो नहीं होने पाता. ये बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेजेस है, यानी स्टूडेंट के ऊपर जो बर्डन होता है वो बढ़ते जाता है. कोई भी प्रॉब्लम के लिए या कोई भी प्रॉब्लम में हम देखते हैं तो उसके लिए बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. दूसरा ये है कि आई प्रॉब्लम जो ब्राइटनेस हमारी बार बार हमारे ऊपर आती है आँख का, उसमें हमारा बड़ा मसला हो सकता है. और एक तो सुस्ती काली ये भी आ जाती है.
क्योंकि हम ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से हम घर पर बैठ कर सब सहूलियात के साथ कुछ नहीं कर सकते। हार्डवर्क के बगैर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। हार्डवर्क का वेरी इम्पोर्टेंट। वेरी गुड। ये थे अदर एजुम फ्रॉम टीवाई बीकॉम। नाउ आपके सामने आ रहे हैं टीवाई बीकॉम से ही रिजवान अहमद शकील अहमद। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट रेडी रहेंगे किशोर वर्मा आए हुए रोल नंबर 34 रिजवान अहमद शकील अहमद रोल नंबर 34 फ्रॉम टीवाई बीकॉम। किशोर वर्मा अब्दुल रहमान सिद्दीकी तौकीर सैयद शोएब फ्रॉम एस वाई बीकॉम अरीवा एफ वाई बीकॉम अरीवा रोल नंबर 121 रेडी रहेंगे। माय टॉपिक इज ऑनलाइन लर्निंग एडवांटेज। तो पहला एडवांटेज ये है कि तालिबे इल्म कहीं पर भी किसी भी वक्त गूगल क्लासरूम अटेंड कर सकता है और कहीं भी काम कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको क्लास में आना पड़े। वो मोबाइल पर स्मार्टफोन रहता है सबके पास, निकाल कर कभी भी कुछ भी देख सकता है, लेक्चर भी अवेलेबल रहते हैं। दूसरा ये है कि ये हमारा मतलब टाइम जो है वो सेव करता है, क्योंकि टाइम इज मनी, बेसिकली हमारा मनी सेव करता है। दूसरा डिसएडवांटेज का पहला डिसएडवांटेज ये है कि जो आजकल रिचार्ज वगैरह है मोबाइल फ़ोन के तो बहुत कॉस्टली हो गए हैं, जो बहुत सारे बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं और ज़्यादातर तो बच्चे वही रहते हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं इसलिए। और दूसरा एडवांटेज ये है कि स्टूडेंट कैन इजीली चीट ड्यूरिंग एग्जाम। अरीबा फ्रॉम एफ वाई बीकॉम रोल नंबर 121 शेख जकी फ्रॉम एफ वाई बीकॉम असद इबाद खुशी to the internet even users.
dangers. It has been created by an individual known as Santoshi. Besides, the bitcoins are happily handled without specific rules by the central government, unlike dollars and euros. It is not owned by a country, therefore it reduces the chances of corruption and inflation. Thank you. Very good. अब आ रहे हैं आपके सामने एफवाई बीकॉम से रोल नंबर 32 मोहम्मद जुल्फिकार अलाउद्दीन। ये आपके सामने ऑनलाइन लर्निंग इस पर बात करने वाली है। ये थे मोहम्मद जुल्फिकार अलाउद्दीन फ्रॉम एफवाई बीकॉम। जैसे इन्होंने अभी मुझसे ये रेसिस में जो आपको मुलाकात हुई और इन्होंने जो है तो तैयारी करके फौरन जो है यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया। ऐसे इस तरीके से आप लोगों को भी अंदर स्टेट डेयरिंग आना चाहिए। अब मैं पार्टिसिपेंट्स तो यहाँ पर हो गए। नाउ विद द प्रायर परमिशन ऑफ जजेस से जो है तो मैं परमिशन चाहूँगा कि अगर वो परमिशन दें तो पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हैं उनमें से कोई अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो आकर के यहाँ अपनी बात को रख सकता है। जजेस प्लीज। यस, इनमें से भी अगर कोई अभी आप लोगों में से जो चाहता है कि वो अपनी बात को प्रेजेंट करे यहाँ पर रखे किसी एक टॉपिक पर, वो ही इज और शी इज मोस्ट वेलकम। एनीवन उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस आफ्टर COVID-19। थर्ड टॉपिक था आपका माय फेवरेट बिजनेस पर्सनालिटी। देन ई-कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। और लास्ट था आपका ऑनलाइन लर्निंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जनरल टॉपिक्स हैं, आप लोग बोल सकते हैं। से बहुत बच्चे बहुत है एफवाई बीकॉम के यहाँ पर और पार्टिसिपेंट्स बहुत कम है एफवाई बीकॉम से। यस, आना चाहिए, कोई नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारा जो 1 मिनट टॉक शो है, कॉम्पिटिशन 1 मिनट टॉक शो, ये यहाँ पर जो स्टॉप करते हैं। अब आगे की जो कार्रवाई है इसके लिए मैं बहुत ही अदब एहतराम से हमारे कॉलेज के फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स HOD डॉक्टर शकीब अहमद से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और आगे के प्रोग्राम की कार्रवाई हो। Yeah.
यार एंजॉय कर रहा था, बोल रहे थे आगे ही कर यार अंडर कर ले रहा We are waiting for the results. Counting का काम चल रहा है, judges counting कर रहे हैं. तो कैसा है वहां पर बैठकर आपस में अपने दोस्तों को बोलना बहुत आसान होता है, यहां पर आकर एक मिनट खड़े रहकर बोलना है ना, यही वो स्टेज डेयरिंग है जो आगे चलकर हमको हर फील्ड में काम आती है. आप कहीं जॉब करने के लिए जाओ, ये स्टेज डेयरिंग आपको काम आती है. आप किसी बिजनेस डीलिंग के लिए किसी से बातचीत करते हो, ये स्टेज डेयरिंग आपको काम आती है. ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर इस स्टेज डेयरिंग का यूज है. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर आकर बहुत अच्छा बोलो या आपको बहुत अच्छे से बोलते आए, लेकिन एक सबसे अहम चीज है अटेम्प्ट करना. आपने अपनी कितनी तैयारी के साथ उसको अटेम्प्ट किया वो काउंट होता है, वो इंपॉर्टेंस रखता है. और इन प्रोग्राम्स के इससे पहले भी हम बार बार यही बोल रहे हैं कि यही इसके मकसद है. हाँ सर, नहीं कर 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 भी 13 लोगों ने पार्टिसिपेट किया यहां पर, और बहुत ज्यादा ऐसा कुछ टाइम भी नहीं था, बहुत ज्यादा आपको ऐसा कुछ बोलना भी नहीं था, लेकिन कैसा है ना, एक अटेम्प्ट करना, अपनी बात को अच्छी तरह से सामने वाले को बताना, यही बस इस प्रोग्राम का मकसद था. एक थोड़ा 2 से 3 मिनट बस और, काउंटिंग फाइनल लगभग हो गई है.
congratulate Department of Commerce that they have arranged a very innovative program for you students to develop a lot of skills on you, that is state dairy, to develop communication skills, to present your topic, and to get in-depth knowledge of a topic. And really, all the objectives of this talk show that we really have achieved. Secondly, I congratulate to all the participants that they have taken initiative and they have come here and they have presented their topic in a very good way. And of course, this is a beginning. And I hope so that in the next program, a large majority of the students will participate in such a program and will take its advantage. Or, girte hain, shay sawar hi, maidane janne. Girte hain, shay sawar hi, maidane janne. Wo trip lete aute, jo ghutno ke bal chale. उसमें जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिला उसका मैं ऐलान करने जा रही हूँ. इस टॉक शो के हमारे सेकंड
कमीशन के सेकंड जज डॉक्टर मुबीन नजीर सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने व्यूज यहां पर आपके सामने पेश करें। डॉक्टर मुबीन नजीर सर। शिकस्त तो फतेह तो मियां इत्तेफाक है लेकिन शिकस्त तो फतेह तो मियां इत्तेफाक है लेकिन मुकाबला तो दिले नातवां ने खूब किया। हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शकीब अहमद, आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हमदानी रिजवाना मैम, एनएसएस ऑफिसर प्रोफेसर इमरान सर, प्रोफेसर फैजान अख्तर, प्रोफेसर साल आमिर सर, प्रोफेसर शरीफ चोगले सर, अब्दुल्ला महाज सर और अजीज तलबा व तालिबात, ये जो मुकाबला था वाकई में मुकाबला था। एक मिनट के अंदर यहाँ आ करके अपनी बात को मुकम्मल तरीके से पेश करना। मैं उन तलबा व तालिबात को जिन्होंने हिस्सा लिया उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। कॉलेज इंतजामिया की जानिब से, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, मेरी अपनी जानिब से और कॉमर्स डिपार्टमेंट की जानिब से, इसी तरीके से जिन्होंने इनामात हासिल किए उनके लिए दोहरी मुबारकबाद, और जो इस रेस में पिछड़ गए उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हार जो होती है वो जीत की पहली सीढ़ी होती है। अपनी इस नाकामी को, अपनी इस हार को आप अपनी कामयाबी की कुंजी बनाइए और मायूसी को अपने पास आने मत दीजिए। इसी तरीके से कोशिश करते रहिए, इंशाल्लाह आप भी एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। यहाँ पर जितने भी इमिनेंट पर्सनालिटीज़ का जिक्र तलबा ने किया है वो तमाम के तमाम अगर हम उनकी बायोग्राफी का मुतालिया करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि पहली स्टेज पर, पहली स्टेप में उनके हिस्से में नाकामी ही आई है। जैसे रतन टाटा का यहाँ पर जिक्र किया गया, धीरू भाई अंबानी हैं, इसी तरीके से विप्रो के चेयरमैन हैं और गूगल के हैं, जितने भी लोग हैं उनको अगर हम देखेंगे तो उनको पहले ही मरहले में कामयाबी नहीं मिली है बल्कि नाकामी से वो लोग उभरे हैं, अपने आप को उन्होंने संभाला है, तब जा करके आज दुनिया उनका नाम लेती है और एक कामयाब शख्स के रूप में वो जाने जाते हैं। मैं एक मरतबा फिर तमाम तलबा को जो जिन्होंने हिस्सा लिया, जो कामयाब हुए और जो नहीं हो सके उन तमाम को मुबारकबाद देते हुए कॉमर्स डिपार्टमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है जजेस के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मेरा इंतखाब किया और यहाँ पर अपने तासुरात पेश करने का मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के प्रोफेसर शरीफ सर को आवाज दूंगा कि वो आए और वोट ऑफ थैंक्स पेश करें। प्रोफेसर शरीफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स फ्रॉम एमपी आर्ट्स कॉलेज एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी ऑर्गेनाइज वन मिनट टॉक शो प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और अच्छी तरह से अपने व्यूज वहाँ पर उन्होंने पेश किए। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जिनका सबसे बड़ा हाथ है वो हमारे संस्था के डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ कॉमर्स डॉक्टर आरिफ अर्जुन सर, जो आज यहाँ पर आए
उनका मैं सबसे पहले दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ में अपने कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के HOD और IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रिजवाना हमदानी मैम, वो यहाँ पर आए, उन्होंने जज का भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर काम को अंजाम दिया। उनका भी मैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की जानब से दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ में अपने कॉलेज के CEO डॉक्टर अभी नजीर सर, वो भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी यहाँ पर आवाज़ नहीं बेटा पीछे आगे, उनका भी मैं यहाँ पर कॉलेज की जानब से और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की जानब से तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के HOD और अपने कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शिकी भाई सर, उनका भी मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में इस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में प्रोफेसर इमरान अहमद सर, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत यहाँ पर दी, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में साद आमिर सर, फैजान अख्तर सर और माँ अब्दुल्ला सर, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में उसी के साथ जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट थे उनका भी शुक्रिया, क्योंकि उन्हीं की वजह से असल में ये प्रोग्राम अच्छा बन पाया। और साथ में जो पार्टिसिपेंट है सबसे सभी का शुक्रिया अदा करते हुए ये प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हुआ सर।